क्योंकि भगवान किसी का ऋण छोड़ते नहीं है। देव ऋण, पितृ ऋण और मातृ ऋण, पुत्रेष्णा, वित्रेष्णा और लोकेष्णा। पितृ ऋण इसलिए उतरता है, संतान उतारती है। ऋषि ऋण पूजा करने से उतर जाता है और संसारिक ऋण कर्म करने से उतर जाता है। ये तीन ऋण शास्त्र में बताए। तीन ऋण का मतलब है, सबसे पहला आदमी का कर्तव्य बनता है कि माँ बाप की प्रथम सेवा करना, ये सबसे बड़ा ऋण उतारना है जन्म लेने के बाद मानुष को। कहते हैं कि सारे तीर्थ धाम तुम्हारे चरणों में, तो माँ बाप के चरणों में ही सारे तीर्थ धाम हैं। भाई माँ बाप बूढ़े हो गए, उन पे नहीं चला जा रहा, इतने वृद्ध हैं कि बाहर निकल नहीं सकते, तो पुत्र का कर्तव्य क्या बनता है कि उनकी भाव से सेवा करना। भाई अपनी स्त्री को लेकर पुत्र चला जाता है सर्विस पर, बूढ़े माँ बाप घर में रह जाते हैं, आपको किस लिए उन्होंने पाला था? इसलिए ही बड़ा किया था, कष्ट झेलने के लिए आपको पढ़ा दिया, बड़ा कर दिया, और बड़ा करने के बाद नौकरी भी लगा दी आपकी, शादी भी आपकी कर दी और आपको संपन्न बना दिया कि बेटा इस रास्ते पर चल, ये अच्छा रास्ता है और ये गलत रास्ता है, ये भी पिताजी ने सिखा दिया। पर पिताजी ने तो सब कुछ सिखा दिया, आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? वो आपका इंतजार देख देख कर रह जाते हैं कि आज बेटा आएगा, 5-7 दिन के लिए तो खुशी मिलेगी, बेटा और बहू के हाथ से खाना मिलेगा, उस दिन वो खाना भी नहीं खाते, इस इंतजार में रहते कि बेटा बहू शहर से आ रहे होंगे और आज वही भोजन बनाएगी और बहू के हाथ से ही भोजन हम लोग खाएंगे, इस इंतजार में वो भोजन भी नहीं बनाते। और वो तो आए और पिताजी से कहने लगे, पिताजी शाम को हमको जाना है। अरे बेटा 2-4 दिन तो रुक के जा, क्योंकि बना बनाया भोजन मिल जाएगा, पर बेटा तो शाम को ही निकल जाता है, पिताजी ड्यूटी करनी है। अरे तेरे को इसलिए पाला था, तेरे को इसलिए बड़ा किया था। भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं गीता में, अर्जुन कर्म से बड़ा कोई प्रधान नहीं है, सबसे बड़ा प्रधान शास्त्र में कर्म बताया है।